हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि फायर बोल्ट निंजा कूलिंग स्मार्ट वॉच में आप लोग स्पोर्ट्स मोड को कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक फायर बोल्ट निंजा कूलिंग स्मार्ट वॉच है और इस वॉच में जो है आप लोगों को स्पोर्ट्स मोड्स को यूज़ करना है, इस वॉच में जो है आप लोगों को एक स्पोर्ट्स मोड मिलेगा गाइस, जिसमें आप लोग जो है बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा वहाँ पर, जैसे कि साइकिलिंग या फुटबॉल या रनिंग या जॉगिंग, तो बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर होंगे। तो उस पर क्लिक करके जो है आप लोग कितना रनिंग किया या यहाँ पर कितना किलोमीटर आप लोग भाग चुके हो, कितना कैलोरीज बर्न हुआ, तो वो सब आप लोग वहाँ पर चेक कर सकते हो स्पोर्ट्स मोड को अगर आप लोग यूज़ करोगे तो। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर इस वॉच में जो है स्पोर्ट मोड यूज़ करना नहीं आ रहा है गाइस, तो कैसे आप लोग स्पोर्ट मोड को जो है यूज़ कर सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स मोड को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप लोग अपने फ़ोन में नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, सेम वैसे ही इसमें भी नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करते ही एक मेनू आ जाएगा, तो यहाँ पर मेनू के आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो जब आप लोग यहाँ पर मेनू में से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा स्पोर्ट्स मोड का, देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन। तो इस स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, उसके बाद स्पीकिंग, बैडमिंटन, जितने भी गेम्स हैं वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर से जो भी गेम आप लोग खेल रहे हो, जैसे कि वॉकिंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, तो मान लीजिए आप लोग रनिंग कर रहे हो तो रनिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देख सकते हैं 3, 2, 1 आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, गो लिखा हुआ आ गया। स्टार्ट करते ही यहाँ पर आप लोगों का टाइमिंग शो हो जाएगा, कितना दूर आप लोगों ने यहाँ पर देर जो है रनिंग किया है, कितना टाइम। उसके बाद BPM यहाँ पर आएगा, कैलोरी कितना बर्न हुआ, स्टेप्स आप लोगों ने कितना दिया है, किलोमीटर आप लोग कितना भाग चुके हैं, तो वो सब यहाँ पर से आप लोग मॉनिटर कर सकते हो। तो ऐसे करके जो है आप लोग सारे गेम्स को जो है यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर से आप लोग डाटा को सेव भी कर सकते हो। तो ऐसे करके जो आप लोग अपने फायर बोल्ट निंजा कूलिंग स्मार्ट वॉच में आप लोग स्पोर्ट्स मोड को यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।